नमस्कार हूँ मनीषा, आप जो रहा छो स्पार्क टुडे न्यूज समाचार में बात करें तो केंद्रीय आदिजाति विभाग ना मंत्री अर्जुन मुंडाए स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की मुलाकात ली थी। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी विश्व की सौथी ऊंची जो प्रतिमा है तेनी स्थापना करवामां आवी छे अने तेने लईने ज विविध लोगों द्वारा मुलाकात लेवामां आवती होय छे। मंत्री साथे ज त्यांना लोको अने देश विदेश ना जे लोको छे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी नी मुलाकात लेता होय छे। आदिजाति मंत्री द्वारा अत्यारे मुलाकात लईने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी विशे संपूर्ण जे माहिती छे ते मेळववामां आवी हती। केंद्रीय आदिजाति विभाग ना मंत्री अर्जुन मुंडाए नर्मदा जिल्ला नी मुलाकात दरमियान एकतानगर स्थित स्टेच्यू ऑफ यूनिटी परिसर निहाळी ने धन्यतानो भाव व्यक्त कर्यो। सरदार साहेब नी दूरंदेशिता ना परिणामे आजे भारत दुनिया नी सौथी मोटा लोकशाही देश ना रूप मां स्थापित थयो छे। तेवामां ज ऊंची प्रतिमा आवनार पेढ़ीनी जिज्ञासानो उत्तर आपशे अने प्रेरणा पण पूरी पाडशे तेम उमेर्यु। केन्द्रीय आदिजाति विभागना मंत्री अर्जुन मुंडाए 45 माळनी ऊंचाईए स्टेच्यू ऑफ यूनिटीनी व्यूइंग गैलरी प्रतिमाना हृदय स्थानेथी अद्भुत नजारो पण माण्यो हतो। विंध्याचल सातपुड़ा गिरिवाड़ानो प्राकृतिक सौंदर्य पण निहाळ्यो हतो। तदुपरांत सरदार वल्लभ भाई पटेलना जीवनचरित्र विषेनी फिल्म निहाळफा सहित म्यूजियमनी तस्वीर प्रदर्शन तेमज तमाम जी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी छे तेनी मुलाकात लेवामां आवी हती। आ प्रसंगे तेमनी साथे चेरमेन रामसिंह भाई राठवा, गुजरात सरकारना आदिजाति विभागना सचिव मुरली कृष्णा, गुजरातना पूर्व आदिजाति अने वन मंत्री श्री शब्दशरण तड़वी, नर्मदा जिल्ला प्रायोजना वहीवटदार पंकज ओंधिया, स्थानिक अग्रणीय पदाधिकारीओ पण जोड़ाया हता। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए एक आकर्षण का केंद्र है और जिस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को संगठित करते हुए एकता के सूत्र में पिरोया है उसका जीवंत उदाहरण इस स्थान पर आने से देश और दुनियावासियों को मिलेगा। ऐसा एक परिसर ये बना है, मैं आज आकर बहुत ही आनंदित महसूस कर रहा हूँ कि आर्किटेक्ट ने, कर्मियों ने, दाताओं ने सब मिलकर के एक अद्भुत तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के दृढ़ इच्छा शक्ति को संपूर्णता प्रदान की है।